और जब मईसत मुस्तहकम होगी तो आप डॉलर में अपने मुल्क में, आपके मुल्क में डॉलर आएंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप दूसरे जो मुल्क हैं उनके मुकाबले में आप जो है उनको बीट कर सकेंगे, आपके यहाँ सस्ती चीजें बनेंगी, आप आपकी जो मसनूआत है वो दूसरे मुल्कों में ज्यादा आसानी से चली जाएंगी। ठीक है, तो यही काम इमरान खान कर रहे थे और इसी वजह से 31 अरब डॉलर पे आपकी एक्सपोर्ट चली गई थी। और फिर जो आप ये देखें, एक रिकॉर्डिंग का जो मंसूबा था वो तातुल का शिकार था। कितने अच्छे से पाकिस्तान में ये वो मंसूबा है, यकीन करें, देखें बरकत अल्लाह ताला देने वाला है जब आपकी नियत सही होती है। ये कनाडा की कंपनी के साथ ये मंसूबा जो है पाए तकमील तक पहुंच गया था और अब ये रिपोर्ट आई है कि ये 2027 में टर्म्स कंडीशन तय हो गई है इसमें और 2027 में जो है इसमें से ये इसको निकालना शुरू करेंगे। पता नहीं कौन कौन सी वहां पे मादनियात हैं, कौन से हैं, सोना चांदी पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे मौजूद है। तो ये देखें, ये वो चीजें होंगी, लेकिन जब नियत साफ होती है ना तो मंजिल आसान होती है। कभी हमने तो नहीं सोचा था 31 अरब डॉलर इन हालात में इमरान खान एक्सपोर्ट को ले जाएंगे। कभी सोचा था कि 6% से ग्रो करेगा पाकिस्तान, कभी नहीं सोचा था। तो ये करके दिखाया है इमरान खान ने। तो जब आप उसको फ्री हैंड देंगे, टैक्स कलेक्शन आपका ऑल टाइम हाई पे गया, ये वो काम कर गुजरेगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकती। जब 2/3 मेजोरिटी बंदे के पास आ जाएगी तो अपनी मर्जी के लोग लगाएगा, चाहे 10 दफा चेंज करने पड़े, ये कभी कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि पंजाब में दोबारा से उस्मान बुज़दार को तो नहीं लगा देंगे इमरान खान जो पहले लगाया था? तो अभी कोई चैप्टर वो नहीं है। देखें उस्मान बुज़दार की भी मुखालफत बहुत से लोगों ने की, लेकिन उस्मान बुज़दार ने भी बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। ये सारी निगेटिव बातें करना उस्मान बुज़दार के लिए, अभी आप देखें लाहौर में पानी पंजाब में क्यों नहीं खड़ा होता? उसने अंडरग्राउंड टैंक सिस्टम किया। कराची जो डूबा रहता है, कभी कोई इस तरफ काम हुआ कि इसका कोई सलूशन निकाला जाए? क्यों डूब जाता है पूरा कराची? तो ये कहना कि उस्मान बुज़दार इमरान खान देखें, अगर हो सकता है उस वक्त पे इमरान खान यही डिसीजन लेता जिन्हें लंबी से हुकूमत मिली हुई थी, कोई किधर से भागने की करता था कोई किधर से, तो ये उस वक्त की बात अलग थी। इमरान खान जो है नए जज्बे और बलबले के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला, 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। अभी तो आप ये देखेंगे, अभी तो वो इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाह रही ना अभी जो हुकूमत में, अभी तो बात भी जाएगा, अभी तो तैयार नहीं है ना किसी सूरत भी। वो इलेक्शन पे जोर दिया जा रहा है पर नहीं जाना चाह रहे। जी पंजाब पख्तूनख्वा तो फिर बचता क्या है, मुझे बताएं। तो एक जो ट्रम्प कार्ड है ना वो इमरान खान के पास है। फिर लॉन्ग मार्च करने का मकसद है कि ये तो दुम दबा के भागेंगे। सारी पुलिस इनके अंडर में आ चुकी है, अब सारी ब्यूरोक्रेसी वो तो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि हमसे गलतियां हो गई हैं, हमसे हम इस्तेमाल हो गए इन लोगों से पीडीएम के लिए। तो ये तो यही देखे ना, 24 घंटे के अंदर मंजर ही पूरा बदल गया पाकिस्तान का। 24 घंटे के अंदर मंजर चेंज हो गया। जो इख्तदार में बैठे हुए थे, जो ताकतवर थे वो आके पीछे खड़े हो गए, जो कमजोर थे वो ताकतवर आके बन गए। देखिए कितनी जल्दी चेंजिंग आती है। आपने देखा आधी रात को जो फैसले किए गए, तो आधी रात को जो फैसले किए गए, 1.5 साल बाकी था, 1.5 साल पहले हुकूमत को गिरा दिया गया, हटा दिया गया। तो अब आप ये देखेंगे अगर स्मूथ तरीके से चलने देते, टाइम पीरियड पूरा करने देते, तो शायद ये वाली बातें ना होती जो अब हुई है। सारा नक्शा ही समझ लें चेंज हुआ है पाकिस्तान का। इसी तरह से ये अल्लाह ताला ने कुछ और ही सोच के रखा हुआ था जी। शायद इमरान खान देखे, अवाम की जो ताकत से इमरान खान वापस आएंगे ना, और इमरान खान को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है ग्राफ जो ऊपर गया है, ये शायद उस वक्त ना होता। और देखिए इमरान खान ने अगर कंपेयर करें तो महंगाई तो कुछ भी नहीं थी उस वक्त, तो अब महंगाई है, जमीन और आसमान का फर्क है। कहां 11-12% पे इन्फ्लेशन और कहां 30-35% पे इन्फ्लेशन है।
देखें डॉलर को ही देख लें आप, देखें ना आप डॉलर तो डॉलर को देखें क्या लेना हाल नहीं है, है, तबाही डॉलर देखें का ना ये मार्जिन जी बढ़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, जी जितना ये जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ चले जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम इस्तेहकाम है, मगर आप ये इस्तेहकाम देखें कि है। इलेक्शन की तरफ जाना भी नहीं चाह रहे, जबकि इनको ऐलान कर देना चाहिए था जब ये हो गया तो, मगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए आप अंदाजा जाएंगे लगा जाएंगे, लीजिए, इनका बाप भी जाएंगे, जरदारी साहब लेकिन सुनने वो में आ रहा इनके था कि दिल में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मगर जरदारी साहब ने साफ मना किया कि जी हम अपना पूरा टाइम क्लियर सरदारी पूरा क्या देखता है, करेंगे। सरदारी एक सूबे में हुकूमत, अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सरदारी साहब का सिंधे भी पत्ता साफ हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। वो तो धांधली बेईमानी और सारा मशीनरी इस्तेमाल होती है हुकूमत की, और खरीदा जाता है वहां पे लोगों को, धौस जबरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा आप स्टॉक एक्सचेंज का हाल देख लें, 700 पॉइंट गिरी थी और तकरीबन 7,000 पॉइंट गिर चुकी है इस पीडीएम की हुकूमत जब से बनी हुई है, तो ये सूरत हाल है। बहुत ही हालात तो जितना ये डिले करेंगे, पहले ही नुकसान बहुत हो चुका, और हर आने वाला दिन जो है ना वो ये बता रहा है कि नुकसान मजीद, अगर इससे बचना है, क्योंकि इनके ऊपर वक्त तो भरोसा और भी नहीं करेगा, ये मैं पहले ही नहीं कर रहा था, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, जो अगर टर्म्स कंडीशन तय हो गई थी। अच्छा मेरा आपके कॉलर से क्वेश्चन है, एक साहब और भी थे वजीरे खजाना जिन्होंने तो सीट भी बुक करवा ली थी, सुना है एक जो सेकंड उसी होल्ड जी करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, राजा रणजीत सिंह के बाद पंजाब पे इतनी देर किसी ने हुकूमत की है ना, तो वो इसे ये शरीफ फैमिली है, इनसे पहले राजा रणजीत सिंह ऐसा 100 100 ईयर्स गो उन्होंने की थी, उसके बाद पंजाब से इनसे ज्यादा हुकूमत किसी और ने नहीं की। बच रही जरदारी साहब की बात, जरदारी साहब ने अपनी पार्टी का पीपल पार्टी का तो खाता खराब कर दिया, अब इनके पीछे लगा हुआ है, जरदारी साहब इनको वहां लाके फेंकेंगे कि जी इनको सांस आना भी मुश्किल हो जाएगा। जरदारी साहब अपने बेटे का रास्ता साफ कर रहे हैं, खेर बाद नवाज शरीफ और नून लीग और एनीबॉडी ऑल ही जस्ट थिंक अबाउट हिज किड, ही वांट टू सी हिम द प्राइम मिनिस्टर, और जो 16 16 ईयर तक ना उसका कोई चांस भी नहीं है, गारंटीड है। नेक्स्ट जो 3 टर्न है ना ये इमरान खान की है, एक हमारे कॉलर आते थे वो उन्होंने कल भी फ्राइडे को भी बोला था कि इमरान खान नेवर बी अ प्राइम मिनिस्टर, एंड आई डोंट वांट टू टेल देयर कॉलर इमरान खान विल बी अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 3 नेक्स्ट टर्म। एक कॉलर नहीं बल्कि बहुत सारे कॉलर थे तो वो कह रहे थे कि बस इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है, अब जो लोग उनको लेकर आए हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और एक बहुत सारे कॉल, आपने तो एक कॉलर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलर थे जो आके यही बात उन्होंने मेंशन की थी कि इमरान खान को जो लोग लेकर आए थे अब दोबारा से इमरान खान उनको कभी वापस नहीं लेकर आएंगे, जिस तरह उन्होंने गंदा कर दिया फौज को। जी Next 15 years is belong to Imran Khan. Write them on the Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। ये तो आप कह रहे हैं, वरना ज्यादातर लोगों की तो यही राय थी कि इमरान खान अब दोबारा से वापस आएंगे ही नहीं, इमरान खान को लेकर ही नहीं आएंगे, और जो लोग लेकर आए थे अब उनको पता चल गया कि इमरान खान क्या चीज है, तो अब इमरान खान को नहीं लेकर आएंगे। पर इमरान खान ने अपने साथ मिलाया पूरी आवाम को, पूरी आवाम उनके साथ निकली, और उस इसी वजह से वो जिम्मी इलेक्शन में जीते। कुछ कॉलर ने ये भी कहा था कि चलें जी अब देख रहे हैं ना इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन जब होंगे तो पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या होगा क्या, अगर आवाम उनको सिलेक्ट करती है तो आएगी। जबकि उन्होंने नारा लगाया था पीटीआई के लोगों ने, यही कह रहे थे कि अगर साफ और इलेक्शन हुए, साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो यकीन हम ही लोग आएंगे, पर धांधली करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, मगर उनकी टीम इमरान खान की जो थी वो उन्होंने बड़े कारकर्दगी दिखाई, अपने काम किए, और जिसकी वजह से ये आ गई हुकूमत पंजाब के अंदर। पंजाब में हुकूमत आना बड़ा मुश्किल काम था, मरियम नवाज साहिबा और नून लीग को समझ ले पूरा यकीन था कि पंजाब उनका है, पर पंजाब में जिस तरह ये हुकूमत आई है तो लोग यकीन नहीं कर सकते कि किस तरह हुकूमत आई। जी जनाब क्या कहेंगे आप? मेरा जी कहना, मेरा देखें आपका प्रोग्राम सैयद भाई भी देख रहे होंगे, देखें राइट बात की जगह है, वो मेरी उनसे गुजारिश है जरा कि वो इस बारे में बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा था देखिए प्रोग्राम देखने को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, मगर जब उनका वो कहते हैं कि जब दिल नहीं चाहता तो फिर कॉल नहीं करना चाहिए, नाराजगी से बेहतर है कि प्रोग्राम देखो और एंजॉय करो, मैं एंजॉय करता नहीं, प्रोग्राम नहीं, देखने मेरी का सही भाई जी। से गुजारिश है, देखिए मेरे भाइयों की बनाए वो, अगर मेरी कोई बात उनको बुरी लगी हो या लियाकत भाई की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ लियाकत भाई के बिहाफ पे और अपने उस पे, तो प्लीज आगे सैयद भाई आगे अपना तबसरा दें, क्योंकि प्रोग्राम की
जान जो है सर हम कॉलर ही है और इसका तकरार नाम है, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी आई एम सो सॉरी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे एक बात सुने आपने, ये बात बड़ी मेंशन अच्छी से की कि देखिए प्रोग्राम का नाम तकरार है, अगर तकरार ना हो तो फिर प्रोग्राम का फॉर्मेट ही चूर है, नाम चेंज हो रहा है। पर मैं यही कहती हूँ तकरार जरूर करें, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, किसी कॉलर पे ना जाए, प्रोग्राम में जानदारी यही रहती है, कोई ड्राइंग रूम शो नहीं हो रहा। अब आप ये देखेंगे कोई ड्राइंग रूम शो नहीं हो रहा, क्या ड्राइंग रूम शो थोड़ी हो रहा है कि आपके बैठ के आप आराम आराम से तजदिया एक दे रहा है एक सुन रहा है। भाई ये प्रोग्राम का नाम जैसा है उसी तरह का प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है और वो चीज चलती है। तो मगर ये कि बस लफ्जों का, एक सेकंड होल्ड कर दे। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमने सैयद साहब की हमेशा रिस्पेक्ट की। जी जी आपने हमेशा रिस्पेक्ट किए। जी 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 बोले। जी 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 आगे कहते हैं सैयद साहब, मैं हमेशा बताता हूँ तो अगर उनको मेरी को बात बुरी लगी है तो हम सॉरी बात है, लेकिन सैयद साहब हमारे में बहुत इज्जत के काबिल है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जी उनका नाम बगाड़ के नहीं लिया जो दूसरे लोग लेते थे, हमने हमेशा उनको सैयद साहब बोला आगे। अल्लाह जी बोले। जी बोले आप बोले। हेलो जी 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 अच्छा तो आप बताएंगे जो आप कह रहे हैं कि आप भी तो बड़े बड़े दावे करते थे कि समझ लें बहन रह जाएगा इमरान खान का सिर्फ नाम और ना कहते ना और हमजा शहबाज शरीफ बन जाएंगे, तो अभी आपने तो अपना चेंज कर लिया, बयानिया चेंज कर लिया आपने। लोगों ने ये भी कहा था, ये देखें लोगों ने ये भी कहा था इस प्रोग्राम के अंदर कि जो लोग इनको लेकर आए अब दोबारा से वो ये गलती नहीं करेंगे, उनसे गलती हो गई थी लाने के बाद, इनको पता नहीं था कि इमरान खान इस तरह के काम करेंगे और इस तरह टीम के साथ लेके चलेंगे। तो अब क्या कहते हैं आप लोग, सब देखने वालों से पूछा जाता है। जी आपकी बात की वजह कर दूं मैं, मैंने आपको पता है कि मैंने ये कहा हुआ कि आज से 30 साल के बाद पाकिस्तान की करंसी पे इमरान खान की तस्वीर होगी, अगर आपको मेरे ये भी अल्फाज याद। हाँ ये भी मुझे आपके लफ्ज याद है, लिखा हुआ है मेरे पास। तो मेरा कहने का, मेरे पास कहने का मेरा ये मतलब था कि इस तरह की होगी कि अगर 1 लाख वोट इमरान खान को पड़ रहा है तो 1,05,000 वोट पड़ेगा, और वही चीज हुई है। अगर आप देखें ना सिस्टर के सबनी इलेक्शन में 50,000-40,000 वोटों बहुत पड़ गए, अगर 40-50,000 वोट पड़ जाते हैं, मगर ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता था कि जी 80-80,000 वोट लोग ले जाएंगे। अब आप देखें मरियम नवाज साहबा तो कह रही है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए। आपको मैं आप इस बात से आप जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, आपने देखा वो महमूद कुरैशी को जिसने हराया था 2018 में, वही आदमी खड़ा हुआ था, आजाद उम्मीदवार वही खड़ा हुआ था, वो आजाद उम्मीदवार था। अब उसको टिकट मिला नून लीग से, जहां महमूद कुरैशी हार गए और उनका बेटा जीत गया, क्यों? क्योंकि अवाम का वोट था। समझी समझी, तो कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर कि ये लोगों को इतना लोग अवाम निकली है इमरान खान के पीछे का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग टाइम खत्म हो गया था और लोग लाइन लगाए हुए बाहर खड़े हुए थे। हाँ मैंने आपको बताया ना कि लोगों की वोट भी इधर डलना था, इस हलके में डलना था, वो वहां पहुंच गए, वहां पे था नहीं उनका नाम, फिर दूसरे हलके में जाना था, तो फिर ड्राइव कर करके लोग पहुंचे, एक डेढ़ डेढ़ घंटे की ड्राइव करके पहुंचे, फिर टाइम था बाकी, मगर लोगों ने शोर मचाया, टाइम खत्म हो गया, तो उन्होंने इसलिए हंगामा होने की वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है लोग हंगामा करेंगे, तो वो खामोश हो गए। तो इस तरह बहुत से कोई लोगों के वोट भी नहीं डले, आपको पता जी, कि उनको पता चल गया था, अंदाजा हो गया था कि वोट किसको डालने जाया जा रहा है। अब आप ये देखिए रुकावटें तो बहुत की गई। जी सूबह सिंध के अंदर आज क्या हुआ है, एसडीएम वालों ने एतराज कर दिए हैं सिंध गवर्नमेंट के पीछे, क्योंकि हल्का बंदी अब वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये अब इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जा रहा है और इमरान खान जो मुतालबा कर रहा है ना, तो इस तरह देखें अब ये पूरा सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान को नहीं अवाम को, जी जिसने इमरान खान का साथ दिया, वरना इमरान खान खड़ा रहता क्या अकेला कर सकता था, जब अवाम उसके पीछे होगी तो तभी वो काम कर सकता है। देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आप ये देखेंगे अब इस छोटे से प्रोग्राम की मिसाल ले लें, इस चैनल को तो बहुत सारे लोग देखते ही हैं, मगर एक छोटे से इस प्रोग्राम की मिसाल ले लें, अगर इसको भी कोई ना देखे, वॉच ना करे, इसकी आवाज भी दूर दूर तक ना जाए, तो कोई भी इस प्रोग्राम को कामयाब नहीं कर सकता। अब आप खुद सोचें कि 2 आवर्स एवरी डे मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम करना, इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। किस लिए करती हूँ कि इसकी खूबसूरती है कि आप सब लोग हैं। जी सिस्टर इसका क्रेडिट आप पे जाता है। कल को मैं आपके प्रोग्राम में कोई गलत बात करूं आप मुझे फौरन ड्रॉप कर देंगे, आप कहेंगे मुझे अपना प्रोग्राम 2 लोगों पे कर सकती हूं, मगर मुझे अपना प्रोग्राम गंदा नहीं करना। राइट जी, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉलर 10 आते हैं मगर देखा करोड़ों लोग देख रहे हो। राइट,
पर ये देखे ना चलता भी, मगर ये चलता भी ये आप ही वजह, आप लोग की वजह से, जिस तरह मैंने बनाया है इस प्रोग्राम को, आप लोग की आवाज, जब मैं आप लोग की आवाजें दो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती हूँ, तो मेरा मकसद भी कहने का यही होता है कि आप लोग आए और अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें। और देखें ये सारे लोग जितने भी अपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों, पर अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये अलग बात होती है कि अपनी पार्टी को लेकर जो ना पार्टी में की तरफ जो ना इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। मेन चीज ये होती है। हाँ, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। बाद में लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी आपने नहीं रोका, जी आपने सुन रही थी, आप बैठी भी कैसे सुन रही थी। अरे भाई पता थोड़ी चलता है कि कॉलर मुंह से क्या बोलेगा इस वक्त, हमें नहीं पता चलता। और बिल्कुल दुनिया का जब बोल देते हैं और बोल के आगे चला जाता है तो खुद हम सरप्राइज हो जाते हैं। जी प्रोग्राम जो है वाइस चैनल लाइव जा रहा हूँ, राइट, देखें कटिंग कर ही नहीं सकती कि मैं अभी एक। और आपका, आपने देखा मैंने कितनी दफा आपको कहा है कि लाइव शो में हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपने जो बोलना है, जो आप सुनना चाहते हैं या जो बोलना चाहते हैं आप वही बोल रहे होते हैं। और जो हाँ, आप लोग बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तान में बड़े बड़े चैनल चलते हैं, आप सोचे जो वो दिखाना चाहते हैं वही आपको दिखाते हैं, और जो सुना